चलिए सीधा रुख करवाता हूँ आप सभी को अगली खबर से, जो दौसा जिले से सामने आई है, जहां पर आप सभी को बता दूं कि दौसा जिले के अंदर पल्स पोलियो अभियान चल रहा है और यह अभियान 3 दिवसीय है। इसी के दौरान आप सभी को बता दूं कि 0 से लेकर के 5 साल तक के बच्चों को यह दवा पिलाई जा रही है। किसके द्वारा यह दवा पिलाई जा रही है और साथ ही किन किन को दवा पिला दी गई और क्या कुछ इस दवा वितरण के दौरान देखने को मिल रहा है, सीधा दिखाता हूँ इस रिपोर्ट में। दौसा जिले में 3 दिवसीय पल्स पोलियो अभियान के अंतर्गत जिले में 0 से 5 वर्ष तक के बच्चों को पोलियो की खुराक पिलाई गई है। अभियान का शुभारंभ दौसा के अतिरिक्त जिला कलेक्टर राम खिलाड़ी मीना वे मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर सुभाष बिलोनिया ने किया है। दौसा शहर में पीलू वाले बालाजी के पास में वार्ड नंबर 14 में रेलवे स्कूल व सोमनाथ सैंथल आदि स्थानों पर बच्चों को पोलियो की खुराक भी दी गई है। इसी दौरान नर्सिंग कर्मी शिवानी मीणा, विनीता सैनी, सीमा मीना व आशा सहयोगिनी संतोष शर्मा आदि ने चिकित्सा विभाग की ओर से बच्चों को पोलियो की दवा भी पिलाई है। CMHO सुभाष बिलोने ने बताया कि अभियान का अंतर्गत 2,85,115 बच्चों को पोलियो की दवा पिलाने का लक्ष्य रखा गया है। उन्होंने बताया कि रविवार को पहले दिन बूथ पर बच्चों को पोलियो की दवा पिलाई गई, तो वहीं इसके बाद सोमवार और मंगलवार को घर घर जाकर के 0 से 5 वर्ष तक के बच्चों को पोलियो की खुराक भी दी गई है। उन्होंने बताया कि घर घर अभियान के लिए जिले में 1980 टीमें बनाई गई, साथ ही 84 ट्रांजिट टीम व 281 मोबाइल टीम इस अभियान में शामिल भी हैं। फिलहाल देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए इतना ही, बने रहिए न्यूज 19 के साथ। नमस्कार।